ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में शुमार कंदरौर पुल का उद्घाटन 16 जून 1965 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट राज बहादुर द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि शिमला, सोलन, बिलासपुर सहित चंडीगढ़ से हमीरपुर और धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों व स्थानीय जनता को उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गोविंद सागर झील पर इस पुल का निर्माण किया गया था, मगर आज ये पुल अपनी बदहाली के आंसू बहाने पर मजबूर है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते आज इस पुल पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं और बरसात के चलते इन गड्ढों में पानी भर गया है और आने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में शुमार कंदरौर पुल का उद्घाटन 16 जून 1965 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट राज बहादुर द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि शिमला, सोलन, बिलासपुर सहित चंडीगढ़ से हमीरपुर और धर्मशाला जाने वाले पर्यटकों व स्थानीय जनता को उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गोविंद सागर झील पर इस पुल का निर्माण किया गया था, मगर आज ये पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। जी हाँ, कंदरौर पुल की बदहाल स्थिति को बयान करती ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते आज इस पुल पर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। आलम यह है कि बरसात के चलते इन गड्ढों में पानी भर गया है और आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में हल्के व भारी वाहन कंदरौर पुल पर से होकर गुजरते हैं और पुल की खस्ता हालत के चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों, दुकानदारों सहित पर्यटकों का कहना है कि पुल पर पड़े गड्ढों की वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं और यहां तक कि आमजन का पुल पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से पुल की जल्द मुरम्मत करवाने की अपील भी की है। इसकी हालत इस टाइम बहुत ही दयनीय है, बहुत बुरा हाल है। हर जगह गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, हर समय इसमें एक्सीडेंट का जो खतरा बना रहता है। और मैं एक यहाँ का दुकानदार हूँ, तो हमें हर समय कोई ना कोई दुर्घटनाओं का सामना यहाँ करना पड़ता है। तो विभाग से मेरी और सरकार से अभी अपील है कि जल्दी से जल्दी इसका सुधार किया जाए और इसको दुरुस्त तरीके से किया जाए, ताकि जनता को इसका जो है कोई नुकसान ना बनना पड़े। इसको बिल्कुल माली हालात बिल्कुल ख़राब है और इसकी बिल्कुल मरम्मत होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो हमेशा जो है इसमें खतरे की घंटी है, कोई भी जो एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी टाइम। आप विभाग से अपील कि जल्दी से इसकी जो है मरम्मत की जाए। बहुत ज़्यादा इसकी खराब हो चुकी है और जब गाड़ी चलती है तो बहुत दर्द आता है और खट्टे बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी दिनों से भाई भी इधर से बोलते हैं, कुछ ना कुछ देखो, तो कोई भी इसमें वो नहीं कर रहा है। जल्दी भरने चाहिए, तो ऐसे तो गाड़ियाँ जैसे छोटी गाड़ियाँ हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बरसात में ऐसे साइड में जाते हैं और व्हीकल, छोटे व्हीकल वाले हैं, बाइक वाले हैं, वो तो ऐसे ही गिर जाते हैं। जल्दी से जल्दी भरने चाहिए। तो पुल की खस्ता हालत को लेकर जब बिलासपुर के कार्यकारी उपायुक्त विनय दीमान से पूछा तो उन्होंने माना कि पुल पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। साथ ही उन्होंने पुल की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग NHAI के एक्शन से बात कर एस्टिमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत हो सके और लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। कंदरौर जो हमारा पुल है, जो स्ट्रेटजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें जो कुछ तार पुल है वो उठ गई और गड्ढे पड़ गए हैं। तो हमने जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये पाया है कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका जो रोड अलाइनमेंट है जो 4 लेनिंग में आ रहा है, उसमें ये रोड एक्वायर किया गया है और ये अब NH अथॉरिटीज़ के पास ना होकर के NHAI के पास है। मेरी एक्शन NH से बात हुई है और हमने उनको डायरेक्शन कंदरौर ब्रिज की एस्टिमेट प्रिपेयर करने के, जो भी उसकी टायरिंग वगैरह होगी और कुछ एक पोर्शन की टायरिंग और मेटलिंग होनी है और जो जहाँ गड्ढे पड़े हैं उनका कुछ निवारण करना पड़ेगा जो ब्रिज पे है, तो उसके एस्टिमेट के लिए डायरेक्शंस दे दी गई हैं।